ब्राह्मणवाद इस देश का बहुत बड़ा मनोरोग है, और जिस तरह की गालियां तमाम विश्लेषण और अलंकार विशेषण और अलंकार के साथ मुझे दी गई, अगर ये सरकार चल गई, यही सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। राहुल से आप सवाल पूछ रहे हैं कि पहले कहां थी जब कांग्रेस किया था। सुनने में अच्छा भी लगता है, फिल्मी लाइन है कि जातियां तो सिर्फ चार हैं। अगर जातियां सिर्फ चार हैं तो सीवर में उतरने वाले की जाति क्यों नहीं बदलती? असल में जाति से मुक्ति चाहिए किसको? कौन चाहता है कि जाति टूटे? मुझे तो समाज का एक व्यापक वर्ग नहीं दिखता है जो जाति के टूटने में दिलचस्पी रखता हो। हाँ, हम एकेडमिशियन एक्टिविस्ट लोगों को यह सवाल पहले भी अच्छा लगता था, यह सवाल अब भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे दुख की बात है कि यह सवाल ही बना हुआ है, इसका कोई जवाब ही नहीं। तो चलिए आज भी उसी सवाल के इर्द गिर्द कुछ बातें होंगी। मैं थोड़ा तारतम्य बिठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप जाति, जातिगत उत्पीड़न, जातिवाद, जाति कैसे टूटेगी, ये सुर में बोला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जाति बेसुरी चीज है, और बेसुरी चीज पर अगर मैं सुर साधने की कोशिश करूं तो सुर के साथ भी अन्याय होगा। मैं दो, आपने अपनी व्यथा बताई बद्री भाई, मैं अपनी व्यथा बताता हूं। हंस के प्रेमचंद जी को तो हम देख नहीं पाए, पढ़ पाए, लेकिन राजेंद्र यादव जी को देखा भी और पढ़ा भी। तो साहब एक कहानी थी प्रेमचंद की, ठाकुर का कुआं। देखिए अभी से हंसने लगे कुछ लोग, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उससे प्रेरित होकर के कविता लिखी ठाकुर का कुआं, और मैं मूढ़ उस कविता को संसद में पढ़ गया। लेकिन मुझे अपने समाज के बदले होने का अंदेशा था, डर था, मुझे लग गया कि इस कविता पर मेरे अंदर पीएचडी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक पाठ इसका अब इस देश को सुहाएगा नहीं, और हुआ वही। मैंने कितने डिस्क्लेमर दिए, यहां तक बोला कि वो ठाकुर मेरे अंदर भी है, हमें उस ये वर्चस्व की प्रवृत्ति है। लेकिन वो क्या होता है, वही बात उनको नागवार गुजरी, जिसका सारे फसाने में जिक्र ही नहीं था। तो ये मैं सिर्फ इसलिए इस व्यथा का जिक्र कर रहा हूं कि ये व्यथा मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये समष्टिगत व्यथा है। आप जाति के बारे में गालिब ऑडिटोरियम एवाने गालिब में बात कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से हमारा समाज, मैं समझता हूं, बीते 30 वर्षों में और प्रतिगामी हो गया है और मध्ययुगीन हो गया है। फिर भी चलिए, हंस चाहता है जाति टूटे, तो मेरा जो भी योगदान है, एक ईंट का, एक कलछुल सीमेंट का, मैं लगाने की कोशिश करूंगा। संसद में एक दिन बहस हो रही थी, मैंने पेरियार की सच्ची रामायण का कुछ अंश पढ़ा, तो बीबीसी को दिलचस्पी हुई कि मुझसे बड़ा एक इंटरव्यू किया जाए। उन्होंने इंटरव्यू किया तो मैंने कहा कि ब्राह्मणवाद इस देश का बहुत बड़ा मनोरोग है। अब ब्राह्मण नाराज हो गए, और जिस तरह की गालियां तमाम विश्लेषण और अलंकार विशेषण और अलंकार के साथ मुझे दी गई, मैं बता नहीं सकता। ब्राह्मणवाद तो कहीं भी तारी हो सकता है, ये फितरत है, ये फितरत है, ये किसी जाति किसी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल दौर है, आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नए प्रतिमान गढ़ने होंगे इस दौर में, और ये सारी उम्मीद पॉलिटिकल क्लास से तो कतई ना करिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी का एक ये भी मसला होता है कि लोग कास्ट को अपने अपने चश्मे से देखते हैं। जो आपने हलवा की बात कही थी, असल में दिक्कत है क्या है ना, कि ये बड़ा सोशल मीडिया का दौर है, बात कुछ होती है हम हलवे में अटक जाते हैं, क्योंकि विजुअल हलवा का ज्यादा बढ़िया लग रहा, रिप्रेजेंटेशन के सवाल गुम हो जाते हैं। राहुल से आप सवाल पूछ रहे हैं कि पहले कहां थी जब कांग्रेस किया था। यार मुझसे गलती हुई, अब मैं कोर्स करेक्शन कर रहा हूं, मैं कोर्स करेक्शन कर रहा हूं, मुझको इतना मौका नहीं दोगे?
क्या चाहते हैं कि कांग्रेस, अगर 90 की कांग्रेस में इन चीजों के लिए स्पष्टता नहीं थी तो क्या खड़गे और राहुल गांधी की कांग्रेस में भी वो स्पष्टता नहीं होनी चाहिए? यह स्पष्टता तो तारीफ की बात है और यह व्यक्तिगत मिल्कियत का सवाल ही नहीं है। आपने एक बात कही, वोट। रजनी कोठारी साहब को लोग भूल गए, क्या बात है? अगर कास्ट है तो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन भी होगा, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन भी होगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और जातिगत उत्पीड़न को देखे बगैर जाति की चर्चा नहीं हो सकती। अच्छा, मैं एक बात फिर डिस्क्लेमर देता हूं कि जब अगड़ी जाति बोले तो नाराज कोई मत होइएगा, जिनमें नाराज होने की प्रवृत्ति है इस हॉल के अंदर भी। तो कई जातियों का रिएक्शन था, हम इतना कम कैसे हो सकते हैं, हम तो सब जगह दिखते हैं। सवाल है कि सांख्यिकी आंकड़ों का विजिबिलिटी से कोई रिश्ता नहीं होता। आप विजिबल इसलिए हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी इनविजिबल है। आप न्यायालय में हैं, आप विद्यालय में हैं, आप विश्वविद्यालय में हैं, आप पुलिस में हैं, आप चौक में हैं, आप बाजार में हैं, आप खरीदार हैं, आप विक्रेता हैं, सब तो आप ही आप हैं। तो आपको विजिबिलिटी अपनी ज्यादा दिखती है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ विजिबिलिटी से तय नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब जातिगत जनगणना की बात होती है, और मैं आज कहूं यहां, अगर यह सरकार चल गई, यही सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी, अगर यह चल गई। क्योंकि एक बात कही जाती है, एन आइडिया विच हैज अराइव्ड, नोबडी कैन सेट इट असाइड। यह आइडिया अराइव कर गया है। आज के दिन में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना, और जो कोई इसको दरकिनार करेगा वो राजनीति से, समाज से दरकिनार हो जाएगा। अभी मैं बजटरी एलोकेशन देख रहा था, बजटरी एलोकेशन को गौर से देखिए आप। टारगेट्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है? हमारी वित्त मंत्री, जाहिर है प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में उन्होंने कहा होगा कि सिर्फ चार जातियां हैं, युवा, महिला, अन्नदाता, एक और चौथा भी था, अन्नदाता हो गए ना, किसान, हालांकि पुअर उस रूप में, युवा महिला, हाँ किसान। अब ये शायराना तो बहुत लगता है, सुनने में अच्छा भी लगता है, फिल्मी लाइन है कि जातियां तो सिर्फ चार हैं। अगर जातियां सिर्फ चार हैं तो सीवर में उतरने वाले की जाति क्यों नहीं बदलती? कौन लोग सीवर में उतर रहे हैं? और ये मैं सवाल हम सब से पूछ रहा हूं, सीवर में उतर के मरने वाली, प्रियदर्शन जी, टेलीविजन चैनल्स के स्क्रोल में वो खबर आती है कि सादिक नगर में 5 लोग जहरीली गैस से मर गए, आंकड़ा अखबारों में 1 इंच, आधे इंच का एक कॉलम, क्योंकि हमें पता है कौन जाति के लोग नीचे उतरे। मैंने सवाल पूछा था सदन में, 90 से 95% एक ही जाति से। जाति के प्रश्न पर एक चीज मैं हमेशा पैरेलल ड्रॉ करता हूं अपने विश्वविद्यालय में, कि अमेरिका में एक आंदोलन चला व्हाइट मेंस प्रिविलेज, अपर कास्ट ने अपने प्रिविलेज का विश्लेषण कभी नहीं किया इस देश में। यहां मेरे साथी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आसानी से, हमारे टाइम में भी लोग कहते थे, अरे यार कास्ट वास्ट ये तो गांव की चीज है, हम लोग तो कास्ट मानते नहीं, मोहब्बत जिससे हो रही है उसकी कास्ट मिलती जुलती है, दोस्ती जिससे हो रही है कास्ट मिलती जुलती है। मैं दोस्त नहीं दे रहा हूं, जो साथ होंगे उन्हीं से तो मोहब्बत होगी, जो साथ होंगे उनसे ही दोस्ती होगी। जो लोग वहां आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं उनसे आप दोस्ती कैसे करोगे? लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती तो होगी नहीं, अनाम दोस्तियां होंगी नहीं। तो ये जो मसला है, ये प्रिविलेज का विश्लेषण करने का भी, अगर हम, मेरे मित्र जो विश्वविद्यालयों में हैं, अच्छे पदों पे हैं, सिर्फ मेरिट नाम के मिथ पे नहीं है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग सेकेंड जनरेशन लर्नर हैं, कई लोग थर्ड जनरेशन लर्नर हैं, और आपसे जो मुकाबला कर रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है।
ये रेस ही असमान है, ये सोशल टोपोग्राफी ही असमान है, और असमान टोपोग्राफी में समानता के बीज और लक्षण आपको कभी नहीं मिलेंगे, चाहे प्रियम्बल में बड़ी बड़ी बातें हों। कल पार्लियामेंट में कहा, वित्त मंत्री साहिबा का 7वां बजट है, बड़ी बधाइयां उनको मिली। 6ठी बार उनके समक्ष मैंने भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 क्लॉज सी पढ़ा, और वो कहता है असमान आय वितरण पर सरकार की कोशिश होगी खत्म, ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हम जैसे देश के लिए चिंता का विषय है। मैंने थोड़ा हल्के में ये भी कहा, लोग ज्यादा नाराज न हो, आजकल नाराज जल्दी हो जाते हैं, मैंने कहा साहब सर अमीरी से विरोध नहीं है, अश्लील अमीरी से विरोध है, और अश्लील अमीरी का भोंडा प्रदर्शन हमने तकरीबन 15-20 दिन तक लगातार टेलीविजन चैनल्स पे देखा, जी शामिल देखा। तो इससे मैं और फिर उसको आप थोड़ा क्लोज विश्लेषण करिएगा तो आपको जातियों में भी एक समरूपता समदृष्टि दिखेगी। और आखिरी में एक बात कहूँ, ये ना कहिएगा कि रचना जी की मैंने कंस्ट्रक्टिव कोई बात नहीं की, कंस्ट्रक्टिव सिर्फ एक है, आप राजनीति से इसलिए उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि कास्ट एक हकीकत है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी एक हकीकत है, हाँ वो हकीकत कितना ब्रॉड की जाती है वो महत्वपूर्ण है। और ये भी यकीन मानिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ जातियों के सहयोग से चुनाव नहीं जीतेगी, एक व्यापक पैराडाइम होना चाहिए, उसके लिए एक व्यापक नजरिया होना चाहिए। और ये कहना, जैसे राहुल जी को कल एक मंत्री, मैं अक्सर उन पर टिप्पणी करना अवॉइड करता हूँ क्योंकि उनकी जुबान काफी उस तरह की है, वो भरी सभा में गोली मारने की बात करते हैं, हम लोग तो अभी भी उस दौर के हैं कि कितनों भी बड़ा झगड़ा हो गोली वोली यार किनारे ही रहने दो तो अब उन्होंने कहा जिसकी खुद की जाति नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस की जाति पूछोगे आप, मतलब कमाल की चीज है। तुम मुद्दे पे आओ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं, लेकिन क्या अपेक्षा करेंगे जिस देश के प्रधानमंत्री, माफी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री की आलोचना करते वक्त मैं 2 बार सोचता हूं कि विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हुआ है, लेकिन पूरे चुनाव नींद खराब कर रख दी थी साहब ने, भैंस मंगलसूत्र मुजरा टूटी काट ले जाएगा, बिजली काट देगा तुम्हारी, और अब की चार ही जाती है। तो मैं प्रधानमंत्री से कोई अलग से अपेक्षा नहीं है, बस इतनी अपेक्षा है कि जो हमारे संविधान में निर्देशित है उसको स्वीकार करिए, जातिगत उत्पीड़न एक हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन का मसला पुनर्वितरण लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसको एड्रेस कीजिए, और इन सब के लिए आपको ये तय करना होगा कि आप किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। एक ऐसा मेटा नैरेटिव हिंदुत्व, आजकल सनातन पे बहुत चर्चा होती है, और मैं बताऊं रवि संजीव लोग बताएंगे, हम लोग जब 90 में पढ़ते थे तो हिंदू तो चलता था, सनातन वगैरह, तो मैं कई दफा आजकल सोचता हूं कि ये सनातन है क्या, और अगर ये सनातन अगर है तो सनातन का जातिगत व्यवस्था से क्या संबंध है? अगर सनातन जातिगत, जिसको कहते हैं सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर संरचना के साथ कंफर्टेबल है तो किस बात का सनातन? एटर्नल और डिस्क्रिमिनेशन इन परपेचुइटी, एटर्नल डिस्क्रिमिनेशन का लाइसेंस अगर सनातन के हुंकार से लेना चाहते हैं तो ये देश तो नहीं देगा। जैसा सही कहा प्रियदर्शन जी ने, सर मैंने अपने कमरे में अपने ठीक पीछे 3 लोगों की तस्वीर लगाई है, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो कई मित्र पूछ रहे हैं कि अरे इनमें तो बड़ा डिफरेंस था,
आप ये तीन तस्वीर एक साथ कैसे, मेरे ठीक पीछे है। मैंने कहा इसलिए कि 40s का डिफरेंस था, 2023-24 में अगर ये वापस पृथ्वी पर आने की कोई व्यवस्था हो तो ये अलायंस बना लेंगे आपस में।